अभी तक जो हमने पढ़ा था क्लास 10 के चैप्टर 8 में ट्रिगोनोमेट्री, तो आज हम चैप्टर 9 की बात करेंगे। उसमें हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, कि उसके कुछ एप्लीकेशन है, उसके कुछ अनुप्रयोग हैं, कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि मान लिया जाए कि ए बी सी ट्रायंगल है और इसमें आपको एक ज्ञात करना है, ए ही ज्ञात करना है, एच है मान लिया जाए, और ए सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ए दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ए 90 डिग्री है। तो आप इसे कैसे निकालेंगे? जाहिर सी बात है पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल देंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इसे निकाल देंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है ए बी सी, और यहाँ पर तो मान लिया जाए 5 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एंगल दिया हुआ है, सपोज दैट 30 डिग्री, ठीक है, या 60 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे कहता है कि ए बी का वैल्यू फाइंड करें या बी सी का वैल्यू फाइंड करें, तो कैसे करेंगे? तो यही समझना है इसमें। इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, गोरस थ्योरम, चलिए। लेकिन इसमें क्या करेंगे? इसमें तो दो साइड है ही नहीं, तो यहाँ पे दो साइड की जगह पर आपको एक एंगल दिया रहेगा, तो कैसे निकलेगा? मान लो ये भी फाइंड करना है, अब देखना है कि ये ए भी हमें फाइंड करना है, दिया हुआ क्या है ए एंगल, इस एंगल के सामने क्या होता है पी, और क्या दिया हमें एच। अब देखना है कि एच और पी किस में रिलेशन होता है, ए साइन में होता है, तो साइन ए बराबर क्या होता है पी अपॉन एच, और साइन ए कितना है यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल पी और एच कितना है 5। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और ये हो गया पी अपॉन 5, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 5√3/2 इक्वल पी, यानी आंसर आपका आ गया 5.2√3 इक्वल पी, यानी कि इसका जो वैल्यू। तो इस तरीके से आपको एंगल दिया रहेगा, आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो अभी देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया जाए आप इंडिया गेट घूमने गए जी, ठीक है, आपको इंडिया गेट की हाइट फाइंड करनी है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मान लिया जाए आप दूरबीन लिए हुए हैं, ठीक है, और आपको हाइट फाइंड करनी है, तो आप इस बिंदु पे खड़े हो जाइए, यहाँ से मान लीजिए आपकी लंबाई कितनी है 1.5, जो भी होगा वो मान लें 1.5 है, आप देखेंगे कहाँ से, आप तो जो खड़े हैं आप इसके पैरेलल हैं, लेकिन आप देख कहाँ से रहे हैं, आप देख रहे हैं आँख से, आई से देख रहे हैं, ठीक है। और आप मान लिया जाए 100 मीटर चल लिए यहाँ तक, 100 मीटर चलिए, और अब आपका जो हाइट है सबसे ऊपर का जो एंगल बन रहा है इंडिया गेट का, इंडिया गेट अगर हम ले लेते हैं ए 30 डिग्री है, लेकिन आप 100 मीटर आगे जाते हैं यहाँ पे और आपका क्या होता है, आपका ये 45 डिग्री का एंगल बन जाता है ना, क्योंकि एंगल जितना नज़दीक जाएंगे। अब इसे कहते क्या है, ये जानना ज़रूरी है। तो ये जो एंगल बन रहा है जब हम ऊपर की ओर किसी चीज़ को देखते हैं तो इसका, इसको क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। इट मीन्स कि मान लिया जाए आप रोड पे खड़े हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे खड़े हैं, आप इंडिया गेट को देख रहे हैं जी, ठीक है, तो इंडिया गेट, ये इंडिया गेट है, इसको आप देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, एलिवेशन कहलाएगा, यानी कि उन्नयन, उन्नयन कोण कहलाएगा, ठीक है। लेकिन मान लिया जाए कि वही आदमी इंडिया गेट के ऊपर फोर्स है, फोर्स का होते हैं इंडिया गेट पे, और इंडिया गेट से हमें देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, तो कैसे देखेंगे,
ये देखिए, ऐसे देखेंगे उनको, तो उनका एंगल कैसा बनेगा, इससे मिलकर के बनेगा ऐसे। तो इस एंगल को ही एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अब नयन कोण कहेंगे, अब नयन कोण कहेंगे। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब नीचे की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और ये देखिए, ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, तो ए और ये दोनों पैरेलल होंगे, तो ये भी कितना मिलेगा 30 डिग्री। तो अगर नीचे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो तब तो डायरेक्टली, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो तो अब देखना है कि ये किसके पैरेलल है, तो ये एंगल होगा तो ये भी सेम ही होगा। अब इस ट्रायंगल में हम बात करते हैं, इसी ये जो ट्रायंगल है इसी से इसकी हाइट निकल जाएगी, अब हाइट निकलेगी। जैसे देखिए इसका हाइट निकलेगा कैसे, मान लो 30 डिग्री से 45 डिग्री। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे, इसको लेकिन सोल्व कर देता हूँ। जैसे दो ट्रायंगल हो गया ए बी सी डी मान लेते हैं, तो ए बी सी में अगर हम बात करें तो ये तो 100 मीटर दिया हुआ है, इसकी हाइट नहीं दी हुई है, इसकी हाइट हमने मान लिया पूरा एच, पूरा कितना मान लिया एच मान लिया। अब ये कितना है 100, इसको हमने मान लिया एक्स। अब ए, अब देखिए ए तो है नहीं, हम पैर से तो देखेंगे नहीं, हम देखेंगे आँख से, तो ये अपनी जो हाइट है वो माइनस कर लेंगे यहाँ पर, तो ए वाली हाइट कितनी मिल जाएगी एच माइनस 1.5। अब बात करते हैं ए बी सी की, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी कितना है टेन 30 डिग्री, ये पूरा हो गया हमारा, हाइट कितना मिल गया एच माइनस 15 अपॉन बी 100 प्लस एक्स, टेन 30 का मान 1/√3 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई मिलेगा 100 प्लस एक्स इक्वल एच रूट थ्री माइनस 1.5√3। इसलिए एक्स इक्वल अगर करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा एच रूट थ्री माइनस 1.5√3 माइनस 100। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड ए बी डी की बात करते हैं, ए बी डी ट्रायंगल में, तो इसमें हमें मिलेगा टेन 45 डिग्री, और जब टेन 45 मिलेगा तो एच अपॉन एक्स, एच अपॉन एक्स, और ये क्या होता है 1, इसलिए एच अपॉन एक्स, तो एक्स बराबर क्या मिल जाएगा एच। अब एक्स की वैल्यू जहाँ ये है रख दो, तो यहाँ क्या है एक्स एच है, तो इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमें मिल जाएगा कितना, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये हमें मिल जाएगा एक्स इक्वल कितना है एच रूट थ्री माइनस 1.5√3। एक्स इक्वल एच बराबर एक्स ही है तो यहाँ रख दिया एक्स रूट थ्री माइनस 1.5√3 कॉमन, इधर आ गया एक्स रूट थ्री इक्वल माइनस 1.5√, इसलिए एक्स कॉमन, तो 1 - √3 माइनस 1.5√3, एक्स इक्वल 1 - 1.5√3 अपॉन 1 - √3। तो इस तरीके से आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके हम किसी चीज़ की हाइट वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये हमने सिर्फ एंगल समझाया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं। और आपको अगर पूरी चैप्टर समझना है तो आप मेरा अगला जो मेरी अगली वीडियो है वो है 9.1 से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन हैं 9.1 के, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।